Hello, dear modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your computer teacher, Shweta Tiwari. So, student, take your computer book and open chapter third. Chapter name is Word Processor. Okay, students. So, student, today I will teach you how can insert rows and column. On. डॉक्यूमेंट ओके डॉक्यूमेंट में हम रोज और कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इट मीन्स टेबल में इफ यू हैव इंसर्टेड ऑलरेडी टेबल देन यू वॉन्ट टू इंसर्ट वन और टू कॉलम वन और टू रो सो हाउ कैन इंसर्ट ओके सो स्टूडेंट्स आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल

सो हाउ कैन इंसर्ट कैसे हम कर सकते हैं तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कॉलम uh, uh, और रो को इंसर्ट कर सकते हैं तो नंबर वन प्लेस द कर्जर इन टेबल वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ कॉलम इट मीन्स आप जो है कर्जर को वहां पर ले जाइए जहां पर आपको कॉलम को इंसर्ट करना फर्स्टली आई विल टेल यू हाउ कैन इंसर्ट कॉलम ओके सबसे पहले हम कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं ये बताएंगे उसके बाद हम आपको रो कैसे इंसर्ट करते हैं ये बताएंगे ओके सो नंबर टू क्लिक ऑन द लेआउट टैब उसके बाद लेआउट टैब पर क्लिक करिए और उसमें जो है क्लिक ऑन द इंसर्ट राइट इंसर्ट लेफ्ट क्योंकि कॉलम जो है वो राइट right और लेफ्ट इंसर्ट होता है रो जो है वो अप एंड डाउन यानी कि अप और ब्लो ब्लो होता है ऑप्शन फ्रॉम रोस एंड कॉलम्स ग्रुप एन एम्प्टी कॉलम गेट्स इंसर्टेड इन योर टेबल और इसके बाद जो है एक एम्पटी एम्पटी मीन्स खाली इसमें कुछ लिखा नहीं होगा एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगी ओके okay? जैसे कि ये टेबल बनी हुई है जिसमें uh, लिखा है, लिखा है, लिखा है, okay? तो इनके बीच में विफोर में देखिए एक ये टेबल ब्लैंक टेबल जो है इंसर्ट हो गई है टेबल मीन्स कॉलम इंसर्ट हो गया ओके नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट टू एड रोज टू टेबल यू शुड फॉलो अगर आप रोज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको कहाँ पर रो इंसर्ट करनी है वहां पर आपको अपना कर्जर जो है प्लेस करना है इट मीन आपको वहां पर जो है क्लिक कर देना है क्लिक ले आउट टैब पर क्लिक करना है उसके बाद क्लिक ऑन द इंसर्ट एव पर क्लिक करेंगे तो एवब में एक रो इंसर्ट हो जाएगी और अगर ब्लो कर देंगे तो उस जहां पर भी आपका कर्जर प्लेस्ड है यानी कि जहाँ पर भी आपका कर्जर है उसके एवव में क्लिक कर देंगे तो एवव में आ जाएगा ब्लो में कर देंगे तो ब्लो में एक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी ओके जैसे देखिए इसमें दिखाया जा रहा है जैसे यहाँ पर फ्लॉवर्स नेम है वेजिटेबल्स नेम है फ्रूट्स नेम है उसके बाद सनफ्लावर रोज ओके ये सारा कुछ इंसर्ट है तो इसमें क्या किया गया है एक रो को इट मींस कहाँ पर किया गया है एबव एबव कर दिया गया है तो सन के जो एबव एक रो इंसर्ट हो गई ठीक है और अगर हम यहाँ पर कर्जर हमारा सन में ही था सपोज दैट यहाँ पर कर्जर प्लेस था तो हमने एबव कर दिया तो ऊपर एक ब्लैंक रो आ गई अगर हम वहीं पर ब्लो कर देते तो सन और रोज के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाती ओके okay? नेक्स्ट दिस इज़ अबाउट डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स इट मीनस हाउ कैन डिलीट रोज एंड कॉलम हम कॉलम को या अगर सपोज दैट कोई भी एक्स्ट्रा में लगता है हमने एक टेबल क्रिएट की है उसमें हमें लग रहा है कि ये कॉलम एक्स्ट्रा है इसको हमें डिलीट करना है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई नहीं रोज़ को या कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे ओके okay? यू कैन ऑल्सो डिलीट द रो जैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने इंसर्ट मीन्स होता है कि उस टेबल के साथ कोई भी कॉलम या रो को इंसर्ट करना मतलब इट मीन जोड़ना ओके okay? डिलीट करना होता है कि आप उसको वहां से हटाना चाहते हैं ओके नंबर वन प्लेस द कर्जर इन द कॉलम यू वॉन्ट टू डिलीट यानि कि उस कॉलम में आप अपना कर्जर प्लेस्ड करिए कर्जर वहाँ पर रखिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं क्लिक ऑन लेआउट टैब उसके बाद लेआउट टैब पर क्लिक करिए नंबर थ्री क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम रोज़ एंड कॉलम्स उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं डिलीट रोज़ को करना चाहते हैं या कॉलम को जिसको भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक ऑन द डिलीट कॉल सपोज दैट आपको कॉलम डिलीट करना है उसके बाद आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा ओके सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू डिलीट रोज फ्राम योर टेबल वाई क्लिकिंग टेबल डिलीट रोज फ्राम डिलीट ऑप्शन रोज एंड कॉलम्स ग्रुप ओके नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर मूविंग एंड रिसाइजिंग आ टेबल इट मीन्स टेबल को मूव कराना इट मीन डॉक्यूमेंट में जहां पर भी टेबल है आप किस सिचुएशन में किस प्लेस पर रखना चाहते हैं तो ये तो हो गया है मूविंग रिसाइजिंग मीन्स होता है साइज को छोटा बड़ा करना कि आप कितने साइज की टेबल चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ओके हाउ कैन यू मूव अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस एंड हाउ कैन यू रिसाइज अ टेबल ओके दीज क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट बिफोर मूविंग आ हेड यू शुड नो अबाउट इट इफ क्लिक्ड ऑन द टेबल यानी कि जिस भी जो टेबल है अगर आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड प्लस साइन जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर टेबल पर क्लिक किया गया है तो यहाँ पर ये यह देखिए प्लस साइन जो है शो कर रहा है ओके द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल दिस इज टेबल मूव हैंडल इससे हम क्या कर सकते हैं अगर हम इस पर कर्जर को कॉन्टिन्यू यहाँ पर रखे रहेंगे और उसको प्रेस करते हुए हम टेबल को कहीं पर भी ले जा सकते हैं ठीक है इस तरह से हम प्रेस करते रखेंगे फिर इसके बाद हम इसको हटाएंगे नहीं कहीं पर भी जहाँ पर भी ले जाके छोड़ देंगे वहीं पर हमारी टेबल जो है वहाँ पे सेट हो जाएगी वहीं पर पहुँच जाएगी और अगर हम इसको ही छोटा बड़ा साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम इस प्लस पे रखने के बाद हम जिधर भी मूव करेंगे अगर बाहर की तरफ मूव करेंगे तो साइज क्या होगा बड़ा हो जाएगा अंदर की तरफ करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा ओके

ड्रेक द टेबल एनी वेर इन द डॉक्यूमेंट आप कहीं पर भी आ, उसको रख सकते हैं रिलीज द माउस बटन अब अगर आप माउस बटन को रिलीज कर देंगे यू विल गेट टेबल एट द डिजायर्ड न्यू प्लेस यानी कि जहां पर आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट है यानी कि जहां पर डिजायर्ड प्लेस यानी जहां पर आप रखना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाएगी ओके सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू रिसाइज योर टेबल प्लेस द माउस पॉइंट ऑन द टेबल रिसाइज हैंडल एंटेला डबल हेडेड एरो अपियर ड्रैक द टेबल यू विल डॉटेड लाइन्स टू शो द साइज ऑफ टेबल ओके यानी डॉटेड लाइन जो है शो होने लगती है नेक्स्ट ऑप्शन मर्जिंग टू और मोर सेल्स यानि की सपोज दैट दिस इज टेबल ये टेबल है ठीक है हम चाहते हैं इस टेबल को इसे दिस इज वन सेल इस सेल को हम टू कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर इस रो को टू रो uh, में कन्वर्ट करना चाहते हैं ठीक है या yeah, सपोज इस पूरी uh, इसको हम एक कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये होता है मर्ज करना ठीक है मर्ज करना यानी कि वन कॉलम में टू कॉलम में या टू कॉलम है तो वन कॉलम में या वन रो में या टू रो में ऐसे इस तरह से चेंज करना चाहते हैं सो स्टूडेंट वाई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट मर्जिंग टू और मोर सेल्स, सो इट्स इना फॉर टूडे क्लास हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर योर सेल्फ ओके स्टूडेंट्स